अब थर्सडे को यहाँ पे अपडेट आया था GTA ऑनलाइन, मैंने उस दिन हमने स्ट्रीम भी की थी, यानी कि कल का ही दिन, आज फ्राइडे है, तो यहाँ पे नई DLC आई थी एनक्लकनबेल रेड फार्म। यहाँ पे एक नया मिशन ऐड हुआ है GTA ऑनलाइन में। कैसे इसको करना है भाई, दो तरीके हैं, एक है अग्रेसिव, एक है स्टेल्थ। एंड इस वीडियो में मैं आपको स्टेल्थ मोड दिखाऊंगा हार्ड मोड पे कि कैसे आपको करना है, राइट। तो कुछ ऐसी चीजें जिनको आपको कॉशन करना है या फिर ध्यान रखना है, सो वीडियो को जो है वो जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले आपको जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये फोर्थ सेटअप है इसका, एंड वो आपको जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा कंप्लीटली स्टेल्थ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 5-6 मिशन है, इसका सेकेंड लास्ट मिशन है द डिसऑर्गेनाइज्ड क्राइम, तो वो सेटअप मिशन जो है वो आपको करना पड़ेगा एकदम साइलेंटली। अब इसको साइलेंटली करने के लिए कैसे होता है कि भाई जब आप ये मिशन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको जो है वो दो ऐसे वैन्स दी जाएगी जिसको आपको हैक करना होगा, ठीक है। इनमें से दो, वो एक वैन आप कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एंड एक वैन में आपको जो है वो ऐसे कुछ क्लोथ्स मिलेंगे जिससे कि आप डिसगाइज कर सकते हो। अब ध्यान रखना ये फिनाले नहीं है, ये सेटअप मिशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको फिनाले स्टेल्थली करना है तो ये सेटअप मिशन आपको कंप्लीटली स्टेल्थ पे करना पड़ेगा, तब जाके आपका फिनाले स्टेल्थ से होगा। तो ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है इसका सेकंड लास्ट मिशन एंड इसका लास्ट मिशन, ठीक है। तो लास्ट मिशन अगर आपको एकदम चुपके से करना है तो सेकंड लास्ट मिशन भी आपको एकदम चुपके से ही करना पड़ेगा, एंड कुछ इसके तरीके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेकंड वैन पे जो है वो कपड़े मिलेंगे आपको, तो आपको ये एज अ डिसगाइज आप यूज कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा जो है वो इजी हो जाएगा, आपको जो है वो एनिमी स्पॉट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक लोकेशन दी जाएगी, वहां पे जाके आपको स्टेल्थली ये ट्रक्स को सैबोटाज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जो है वो कैमरा फीड डिलीट करनी पड़ेगी। एंड यहाँ से आपको कार्ड मिलेगा, कौन सा, एक एक्सेस कार्ड है जो फिनाले में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि कसिनो हाइस्ट में होता है वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ही स्टेल्थली करना पड़ेगा। अगर आप डिटेक्ट भी हो जाते हो तो भी एक तरीका है कि आप लाइक फिनाले आप जो है वो स्टेल्थली कर सकते हो, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अब इस कोने में ना एक गार्ड घूम रहा होता है, इसके पास एक ड्रिल होती है, राइट, ये ट्रक के पास ना एक ऐसी छोटी सी ड्रिल होगी, वो आपको उठानी पड़ेगी, बिकॉज उससे आपको ड्रिल करना पड़ेगा लॉकर्स यहाँ पर, एंड ये लॉकर्स में आपको मिलेगा एक कार्ड, की कार्ड जो आप फाइनल में यूज करोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड आप इस तरीके से सैबोटाज कर सकते हो ट्रक्स। मैप में आपको जो है वो लोगोस दिख जाएंगे ट्रक्स के, तो वहां पे जाके बस आपको ई प्रेस करना है। एंड अगर आप डिटेक्ट भी हो जाते तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डिटेक्ट हो गया, तो राइट साइड में नीचे एक बार आता है, तो वो उस बार को खत्म, वो डिप्लीट होता रहता है, वो खत्म होने से पहले आपको सारे गार्ड्स को अगर मार दो तो वो आप डिटेक्ट नहीं होंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे इस रूम में आना है आपको, एंड इस रूम में आके आपको कैमरा फीड डिलीट करनी है, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते तो फिर यार कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा, एंड फिर आपका जो है वो चलते नहीं रहेगा। यहाँ पे बस आपको ई प्रेस करना है आके यहाँ पे ये कंप्यूटर में, एंड वो एनिमेशन सब खुद ही कर लेगा, यहाँ से वो हार्ड ड्राइव निकाल लेगा कैमरा की, एंड फिर जो है वो कैमरा भी स्वाइप आउट हो जाएगा, एंड सारे लोगों को आपने मार दिया है टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये जो है वो डिटेक्ट नहीं होंगे अगर आप डिटेक्ट भी हो जाते हो इस मिशन में। तो बस आपको जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर सारे लोगों को यहाँ पे मारना पड़ेगा, एंड उसके बाद आके यहाँ पे इस तरीके से ये बॉक्सेस जो है वो ड्रिल करने पड़ेंगे, ऐसे दो मतलब अलग अलग जो है वो दो बॉक्सेस है, मतलब इन टोटल जो है वो यहाँ पे चार आपको मिलेंगी ये बॉक्सेस, एंड ये जो है वो आपको ड्रिल करने पड़ेंगे, लाइक चार आपको रोज मिलेंगी बॉक्सेस की, यानी कि इन टोटल 16 बॉक्सेस होने वाले हैं, चार फ्रेम्स मिलेंगी। बात करते हैं फिनाले की, तो यहाँ पे अगर आपने सारी चीज़ें सही की सेकंड लास्ट मिशन में, तो फिनाले ऐसे इस तरीके से स्टार्ट होगा एकदम स्टेल्थ वाला। अब यहाँ पे मैंने प्रोफेशनल वेपन्स यूज़ नहीं किए क्योंकि वो साइलेंट मतलब सप्रेसर के साथ आते, तो मैंने यहाँ पे मॉड मेन्यू नहीं यूज़ किया मेरा, एंड यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी कि वो वहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें करनी चाहिए थी प्रोफेशनल वेपन्स यूज़, मैंने मिलिट्री वाले वेपन्स यूज़ किए थे। सो यहाँ पे जो है वो मैंने फाइनली मॉड मेन्यू यूज़ किया, एंड यहाँ पे सप्रेस वाली गन ले ली। एनीवेज यहाँ पे कैसे आपको लोगों को मारना है वो इम्पोर्टेंट है, तो ये पहले के जो छुचुंदर है वो इजी है, यहाँ पे जो है वो तीन लोग यहाँ पे होते हैं वो आप इजीली मार सकते हैं उनको वन बाय वन। दिक्कत तब आएगी जब यहाँ से एक बंदा जो है वो आपके तरफ जो है वो चल के आ रहा होगा, आपको वो जो चल के आ रहा है उसको नहीं मारना है, उसके पीछे एक बंदा यहाँ पे स्टिल खड़ा होगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जैसे ही वो क्रॉस करे उसको तो उसको मार देना है, जो आपकी तरफ आ रहा है चल के तो आपको उसको लास्ट में उड़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे आगे दो बंदे होंगे और एक बंदा जो है वो बस साइड ऑन साइड बदलता रहेगा, इस साइड आएगा फिर उस साइड जाएगा, तो वो लेफ्ट एंड राइट कर रहा होता है, तो वो तो बहुत ही ईजी है, उसका कुछ नहीं है, उसको जो है वो सीधा यहाँ पे आपको उड़ा देना है। उसके बाद सीधा जाके जो वो एक दरवाज़ा होगा यहाँ पे, सीधा जो दरवाज़ा है यहाँ पे आपका की कार्ड लगेगा, जो कि आपने सेटअप मिशन में जैसे मैंने बताया ड्रिल करके आपको लेना है की कार्ड, तो वो की कार्ड यहाँ पे काम आएगा। एंड यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड एक फैसिलिटी होगी, यहाँ से आपको तीन और बंदे होंगे, उनको जो है वो साइलेंटली उड़ा देना है। यहाँ पे जो है वो माल होगा, अब मैं यहाँ पे माल बोलूँगा,
जो भी इस चीज़ का नाम है, मैं इसको जो है वो लूंगा नहीं इसका नाम, बिकॉज यार यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक मार देता है, तो यहाँ पे मैं इसका नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो माल यहाँ से उठाने के बाद यहाँ पे आप बाहर आओगे, एंड यहाँ पे भी जो है वो तीन गार्ड्स होंगे, इनको भी बहुत ईजिली आप मार सकते हो। ध्यान रखना एक गार्ड जो है वो ऐसे घूम के आएगा, तो उसको घूम के आने दो अच्छे से, एंड यहाँ पे रुकने दो, वो रुक जाएगा, एंड फिर उसके बाद आप जो है वो शॉट ले सकते हो, ये लास्ट के जो भी गार्ड्स हैं उनको मार सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक बहुत ही ट्रिकी गार्ड खड़ा होता है, ठीक है। सामने आप देखते हो एक गार्ड खड़ा है, अगर मैं सीधा चला जाऊं तो वो मुझे डिटेक्ट कर लेगा, राइट। अब मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो गार्ड जो है ना, वो बीच वाला गार्ड, ये जो है वो गोल गोल घूमते रहता है। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो कि मैप में मशीनरी लगी हुई है ये चिकन फैक्ट्री की, तो ये मशीनरी से होके हुए ये गोल गोल घूमेगा, एंड अगर आप ये सामने वाले गार्ड को मार देते हो ना, तो वो डिटेक्ट कर लेता है, वो चल के आता है, जैसे कि आप गेम में देख सकते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस लोकेशन पे आते हो ना, तो पहले इसको घूमने देना है, इसका कोन ऑफ विजन है ना, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां तक है, तो थोड़ा सा आप पीछे चले जाओ, इसको ऐसे घूम के जाने दो थोड़ा, देन आप जो है वो इस गार्ड को उड़ा सकते हो जो आपके सामने खड़ा है, एंड फिर जाके जो है वो इस गार्ड को उड़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिटेक्ट हो गया था एक बार, मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये जो है वो कमीना घूमते भी रहता है, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आपको कीज ढूंढनी है, ठीक है, कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल पे यहाँ पे कहीं पे इस टाइप की ऐसी कीज होंगी, आपके मैप में जो है वो आइकन आ जाएगा। तो लाइव स्ट्रीम में मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया था, क्योंकि मैंने मैप में ज़्यादा देखा नहीं था। सो यहाँ पे जो है वो इस तरीके का मैप आएगा, एंड मैप में आपको जो है वो कीज का सिंबल दिखेगा। ये इसी एरिया में होगी जहाँ पे ये बंदा घूम रहा होगा, जो मैंने बताया ना, ये बंदा घूमता रहता है, एंड उसी एरिया में कहीं पे टेबल पे पड़ी होगी। लास्ट के दो गार्ड्स आपको इजीली जो है वो लाइक मार देना है, ये लास्ट के दो गार्ड्स हैं, एंड उसके बाद आप ये ऑफिस अनलॉक कर सकते हो। अब ऑफिस का पार्ट लास्ट में है, मैं पहले ही इसको अनलॉक करके रख दे रहा हूँ, ताकि बाद में आप बाद में भी कर सकते हो एनीवेज। बट इसका जो है वो सेकंड पार्ट वही है, कोक स्टोरेज एरिया में एक और आपको जो है वो चुराना होगा, जैसे कि आपने अंडरग्राउंड जाके तीन लोगों को मार के वहां से माल उठाया, अब यहाँ पे जाके जो है वो दूसरे एक और स्टोरेज है, वहाँ पे भी आपको माल उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, वहाँ पे डिफरेंट ये है कि भाई वहाँ पे दो गार्ड्स होते हैं, एंड एक बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है वो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी यहाँ पे क्रेट्स होती है, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाले गार्ड को आपको बिल्कुल नहीं मारना है सबसे पहले, बिकॉज उसका कोन ऑफ विजन लाइक वो दूसरा गार्ड देख रहा है उसको, तो पहले आपको जो है वो राइट वाले गार्ड को मारना है, एंड देन उसके बाद आपको लेफ्ट वाले गार्ड को मारना है। एंड यहाँ पे जो है वो क्रोबार्स पड़े होंगे, तो आपको क्रोबार्स से इन क्रेट्स को खोलना है, एंड यहाँ से जो भी माल इसके अंदर पड़ा होगा वो यहाँ से आपको निकाल लेना है। तो ये तो हो गया भाई, यहाँ तक का स्टेल्थ पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, लाइक ये इतना ही पार्ट था जो आपको कॉशियस रखना था, एंड यहाँ पे लास्ट में आके आपको बस वो हैकिंग वैकिंग करनी है, जो कि मैं ऑफिस अपने अनलॉक किया था, वहाँ पे आके बस आपको हैक करना है, एंड आपके हाथ में जो है ना एक हैकिंग डिवाइस आ जाएगा। हैकिंग डिवाइस क्या करेगा, आपको जो है वो लाइक अगर आप माउस में जो है वो राइट क्लिक करके रखोगे, तो ये कंप्यूटर्स ढूंढना पड़े लगेगा, लाइक ये ब्लू लाइन जो आ रही है इसका मतलब आपका सिग्नल स्ट्रांग हो रहा है, एंड रेड लाइन यानी कि आपका सिग्नल जो है वो गलत जा रहा है। तो यहाँ पे तीन कंप्यूटर्स होते हैं इसी एरिया में, जहाँ पे जो है वो लाइक जो बंदा घूम रहा होता है गोल गोल, जैसे मैंने बताया कि आपको उसका ध्यान रखना है, उस एरिया से लेके ऑफिस के एरिया तक के अंदर ही ये तीन कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे कि ये रहा ये पहला वाला कंप्यूटर, उसके बाद और आगे जो दो तीन कंप्यूटर है, तो ये पांच छह कंप्यूटर है यहाँ पे, ये शफल होते रहते हैं अपने आप में। तो आपको बस तीन कंप्यूटर ढूंढना है, एक बार आपने ढूंढ लिए तीनों के तीनों, उसके बाद आपके जो इस हैकिंग कोड में ना एक हैकिंग जो डिवाइस है आपके हाथ में, उसमें एक कोड आ जाएगा, एंड उस कोड से आपको ऑफिस में आके यहाँ पे एक सेफ मिलेगा, एंड उस सेफ को यहाँ पे बस खोलना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेफ खोलने के बाद आप जो है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाओगे, यही तक था इसका स्टेल्थ का पार्ट, एंड उसके बाद जो है वो डिटेक्ट हो ही जाओगे। तो फिर भाई ये यहाँ तक भी अगर आपने कर लिया ना स्टेल्थ ली, तो आप बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक एमओ वैमो लाइक बहुत ज़्यादा फाइटिंग बचाओगे, एंड उसके बाद जो है वो लाइक अगर आप अग्रेसिवली जाते हो, तो स्ट्रीम में मैं अग्रेसिव में चला गया था, एंड अग्रेसिव पे होता क्या कि बहुत ज़्यादा बैकअप आता है, एंड बहुत सारी चीज़ होती है, ठीक है। एस्केपिंग के टाइम पे आप मेरी तरह से मत भागना, मैं अंधों की तरह भागने लग गया बस सीधा गराज के पास, यहाँ पे बहुत मार पड़ती है, एंड थोड़ा सा आप जो है वो लाइक फाइट करना, थोड़ा सा रुक रुक के कवर ले लेके फाइट करते हुए आगे जाना, मेरी तरह भागना मत। अगर आप जो है वो लाइक सोचते हो कि हाँ मैं लाइक कर सकता हूँ लाइक भाग सकता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो आप सीधा जा सकते हो, यहाँ पे मैं ज़्यादा एनिमीज के साथ लड़ा नहीं, सीधा जो है वो गराज में चला गया। एंड जहाँ तक बात है गेट अवे व्हीकल की, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक फास्ट गेट अवे व्हीकल ले लो, ऑसिलॉट जगलर हो गया, एंड ये जो गेट अवे व्हीकल ली थी मैंने जस्ट बिकॉज मुझे बुलेट्स ना लगे, इसलिए मैंने ये गेट अवे व्हीकल ली थी, काफ़ी ज़्यादा घटिया गेट अवे व्हीकल है। एंड लास्ट में बस आपको एस्केप करना है,
पुलिस से एस्केप करना है एंड इन गुंडों से एस्केप करना है एंड वहाँ पे जाके विंसेंट को जो है वो ये सारी चीज़ें डिलीवर कर देनी है। आपको एंड में जो है वो 500K मिलेंगे एंड अगर आपके साथ कोई खेल रहा है दोस्त वोस्त तो उसको 50-50K पर सेटअप और ये सारी चीज़ें लाइक मिलेंगी उनको। तो यही थी गाइज, आई होप कि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है एंड आई होप कि जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि आपको जल्दली कैसे करना है इस अप्रोच को। वैसे कुछ है नहीं ज़्यादा इस वाले DLC में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड DLC है, नॉर्मल मिशंस की तरह है। इसका जो स्टेल्थ वाला मिशन है बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू डायमंड कैसीनो स्टेल्थ मोड, जो कि स्टेल्थ अप्रोच है, स्टेल्थी वाला अप्रोच है वो डायमंड कैसीनो का सबसे हार्ड मुझे लगता है। एंड ये वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा घटिया स्टेल्थ लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एनीवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अगर आपने जो है वो लाइक आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें कि आपको ऐसी वीडियो जो है वो मिलते रहे इन द फ्यूचर। मिलते गाइज आपसे अगली वीडियो में।